ठीक है, तो जो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो जो पॉलिटिकल डिबेट्स हम पढ़ रहे थे ना, डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी जो थर्ड यूनिट का, उसमें लास्ट जो सेंसरशिप है ना, हम उसको कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एज यू कैन सी, देखो सेंसरशिप इससे अच्छा डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, है ना। क्या होता है सेंसरशिप का मतलब? एक तरह से बाधा होती है ना, हेलो, जिसमें हमें बोलने, क्या हमें देखना है, क्या हमें बोलना है, क्या हमें सुनना है, इन सब पे कंट्रोल्ड करा जाता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कंट्रोल्ड करा है ना, इस कंसेप्ट के माध्यम से। तो क्या है, ये एक टूल भी है। स्टेट के पास एक टूल है कि हाँ, मेरे को अपने सिटीजन को कैसे कैसे उसका बिहेवियर जनरेट करना है, या उसे किस पैटर्न में ढालना है ना। तो एक मींस भी है, बट इधर डिबेट वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि किस हद तक स्टेट इंटरवीन कर सकता है ना। क्लियर है? वो कौन सा ऐसा लिमिटेशन है, वो कौन सी क्रीपी लाइन है कि हाँ, यहां से स्टेट एंटर ना करे एक किसी की पर्सनल लाइफ में। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो व्हाट इज सेंसरशिप। सेंसरशिप का अगर हम आइडिया देखें तो ये आता कहाँ से, ये रोमन रोमन ट्रेडिशन से आता है। ठीक है, जिसको आप सब देख सकते हैं कि ये लैटिन फ्रेज से आया है, सीसेस आया है। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, वंस ओपिनियन, टू गिव वंस ओपिनियन। तो ऐसा होता था कि एंशंट रोम में क्या होता था कि कुछ जो लोग होते थे ना, मजिस्ट्रेट, ठीक है, जो रिस्पेक्टेड लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो सेंसस करते थे। ठीक, क्या करते थे, सेंसस करते थे कि जो मैनर्स, जो मोरल्स हैं सिटीजन के, वो ठीक है या नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सीसीटीवी कैमरा है ना, क्या करता है, वो देखता है ना कि किस तरीके से लोग सब काम कर रहे हैं। अगर कोई वर्क प्लेस पे लगा रखा है तो वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो सेंसरशिप भी क्या होता था उस समय, कि जो सेंसर्स होते थे, जो मजिस्ट्रेट होते थे, वो सेंसस करते थे कि किस तरीके से लोग मोरली बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे से कैसे विनिमय कर रहे हैं, क्या वो मोरली या नैतिक रूप से ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ये वहां से आया आइडिया। क्लियर है? हेलो, सर एक बार और रिपीट कर दो। देखो ये जो सेंसरशिप का आइडिया है ना, ये लैटिन टर्म से आया है। सर ठीक है, सीसेरे, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू गिव वंस ओपिनियन। तो जो पुराने टाइम पे या पुराने इतिहास टाइम पे जो रोम में जो कुछ लोग होते थे सेंसर्स, है ना, जिसमें दो रोमन मजिस्ट्रेट्स, मतलब मजिस्ट्रेट्स आते थे, वो बिहेवियर को ना एनालाइज करते थे। वहां से ये कॉन्सेप्ट आया कि सिटीजन किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर है? यस सर देखो इसमें लिखा भी हुआ है, सामने लिखा भी हुआ है। ठीक है, द सेंसर्स, टू रोमन मजिस्ट्रेट्स कंडक्टेड द सेंसर्स एंड रेगुलेटेड द मैनर्स एंड मोरल्स ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, तो ये आइडिया एक्चुअल में कहाँ से आया, ये एक रोमन आइडिया, एक एक कह सकते हैं हम वेस्टर्न आइडिया ये भी है ना। अभी तक हमने जितना भी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा है, आपने देखा कहीं पे भी इंडियन आइडिया आ रहा हो, बस चैलेंजेस दे रहा है इंडियन आइडिया, है ना, यस सर है ना, ऐसा चैलेंजेस दे रहा है। कि जैसे लिबर्टी, आप जिस तरीके से परसीव कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल वे में, तो इंडिविजुअल वे में आप परसीव मत करो, है ना, उसे कलेक्टिव वे में या फैमिली के वे में। ठीक है, क्लियर है? बोलो, यहां तक कोई कोई प्रॉब्लम है कि ये आइडिया कहाँ से जनरेट हो रहा है? नो सर चलो अब इससे करा क्या जाता है, टू रेगुलेट डिफरेंट लेवल ऑफ सोशियो सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, द एग्जीबिशन ऑफ द विच कैन बी अ डिस्टर्बेंस फॉर द पीपल। ठीक है, कि देखो इसमें एक्चुअल में क्या करा जाता है, कि हर कंट्री, हर किसी सोसाइटी, इवन हर फैमिली का क्या होता है, कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ सामाजिक और राजनीतिक मूल्य होते हैं ना, है ना, उसको बनाए रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि हाँ, उसमें किसी प्रकार का मतभेद ना आए, कोई टेंशन ना हो, है ना। ठीक है, क्लियर? सर यस सर देखो इधर मैंने लिख रखा है हिंदी में भी, यस सर
कोई परेशानी ना, वो व्यवहार विनिमय का जो व्यवहार बना हुआ है उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो जैसे वॉयलेंस हो गया है ना, तो सेंसरशिप के माध्यम से क्या करते हैं, वॉयलेंस को कर्टेल करते हैं ना, रोकते हैं, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी देख लो जिसमें ज्यादा वॉयलेंस दिखा रहा है, या फिर लोगों को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो ना वॉयलेंट हो, जैसे आजकल के बच्चे देखोगे है ना, या फिर जो अभी जो नई स्कूल वाली जनरेशन है बहुत सारा अब्यूजिव कंटेंट देखती है, तो अब्यूजिव लैंग्वेज भी बोलती है ना। तो ये जो ये अच्छा जितने भी इश्यूज हैं, जैसे सेक्सुअल कंटेंट हो गया, अब्यूजिव लैंग्वेज हो गया, ड्रग यूज हो गया, अब्यूजिव कंटेंट हो गया, रिवोल्यूशनरी कंटेंट हो गया, इन सभी को रोका जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री के सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्य अलग हैं, और उसको बनाए रखने के लिए या फिर उन उन व्यवहारों में किसी प्रकार का परिवर्तन ना आए है ना, इस कंटेंट के माध्यम से, तो इनको सप्रेस करने के लिए सेंसरशिप का यूज करा जाता है, उसका प्रयोग करा जाता है, ठीक है, क्लियर है। यस तो ये जो सारे पॉइंट तो लगभग क्लियर होंगे, वायलेंस, सेक्सुअल कंटेंट, सर, अब्यूसिव लैंग्वेज, ड्रग यूज है ना, ये सब तो मूवीज में आपको दिखता ही होगा है ना, ठीक है। और अगर देखो मूवीज में भी देखते होगे तो देखो तीन तरीके के सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं ना, एक होता है कि हाँ एक बच्चे के साथ देख सकते हैं, फिर बच्चे केवल बच्चे नहीं देख सकते उस मूवी को है ना, तो तीन तरीके की, तो ये सब इसी चीजों को रोकने के लिए करा जाता है, ठीक है। वो सेंसरशिप का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है ना मूवीज को, आप सब देखते होंगे जब स्टार्टिंग होता है तो वो वॉर्न करा जाता है। वो भी क्या है कि फ्लो ऑफ जो इंफॉर्मेशन है, जो जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, वो नियमित वो व्यवस्थित रूप से हो, ठीक है। ठीक है, जैसे कहीं पे ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा था, ये सब फैक्टर्स को क्या करा जाता है कि हाँ ये सब कम हो तो सेंसरशिप का मदद करा जाए, है ना, क्लियर। सेंसरशिप के माध्यम से इन सबको रोका जा सकता है, ये जितने भी डेरोगेटरी रिमार्क्स हो गया, अब्यूसिव कंटेंट हो गया, इन सबको रोका जाता है, इनके फ्लो को रोका जाता है, ठीक है, क्लियर। बोलिए, उसके बाद क्या है, द आइडिया ऑफ सेंसरशिप एक्सटेंड्स, वो किस चीज को एक्सटेंड करता है। अगर हम एक क्वेश्चन ही आ गया तो ये सब पॉइंट्स लिख देंगे कि जो सेंसरशिप का आइडिया है, जैसे हमने देखा ना, ये तो इस तरीके की जितने भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इन सबको रोकता है। आगे इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, टू सप्रेशन ऑफ स्पीच, डेफिनेटली। अब देखो इधर प्रॉब्लम क्या है, डिबेट क्या है, देखो एट द सेम टाइम आप कहोगे कि ये मेरी क्रिएटिविटी है, और एट द सेम टाइम वो बोलेगा कि आपने मेरी पर्सनल लाइफ के साथ खिलवाड़ करा है ना, आपने मेरी प्राइवेसी को तोड़ा है ना। देखो दो चीज है, या तो क्रिएटिविटी आएगी, एक बंदा बोल रहा है कि क्रिएटिविटी मैं कर रहा हूं है ना, कि वो आप जा रहे थे और आपकी फोटो निकाल रहा है ना, और आप कह रहे हो कि नहीं ये मेरा प्राइवेसी है, आप मेरी फोटो कैसे ले सकते, तो ये डिबेट हो गया ना। हेलो, तो हम किसको प्रिविलेज देंगे, क्या व्यक्ति की प्राइवेसी को प्रिविलेज देंगे या किसी के क्रिएटिविटी को प्रिविलेज देंगे, बताओ। बहुत वेग हो, प्राइवेसी क्या चीज बोलो, को है ना। प्राइवेसी अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ही आ रहे हो बस के अंदर आ रहे हो, और वो कोई है ना वीडियो ही बना रहा है ना, आप किस काम से जा रहे हो, आपका क्या है, आप नहीं चाहते कि मेरे को कोई देखे है ना, वो कहेगा कि नहीं मैं तो यूट्यूबर हूं, मैं तो वीडियो बना रहा हूं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अच्छा है एग्जाम्पल, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप भंडारा खा रहे हो है ना, और वहीं पे क्या, वहां पे क्या है, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप सबको दिखा रहा है, तो भाई ये क्या, ये डिबेट है ना। हेलो, है ना, यस तो यही डिबेट है कि वेदर वी शुड रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल और क्रिएटिविटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। एक तरफ वो बोल रहा है कि नहीं ये मेरी क्रिएटिविटी है ना। थोड़ी देर के लिए देखो, जैसे यूट्यूब पर ही देखो कि बहुत सारे लोग अच्छा कंटेंट नहीं बना पाते, जैसे मर्जी गाना गा रहे होते, वो कई बार क्या होता है, ट्रोल हो जाते हैं, है ना, सुनाइए बस, है ना।
अब क्या है देखो, एक तो व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैंने इन सबको कलेक्ट करके मैंने इसका ट्रॉल कर दिया, उसका क्रिएटिविटी है, और एट द सेम टाइम भाई जो बंदा ट्रॉल हुआ है उसका तो इंडिविजुअलिटी और उसका तो प्राइवेसी, हाँ रोस्ट, रोस्ट अच्छा वर्ड है ना, उसका तो प्राइवेसी चला गया ना। ऐसा हाँ ठीक है, तो आइडिया ऑफ सेंसरशिप किस चीज को एक्सटेंड करता है, कहीं हद तक ये सप्रेशन ऑफ स्पीच भी हो जाता है, कि कई बार क्या होता है वही जो क्रिएटिविटी वाला एंगल लेके आएंगे तो हो सकता है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता था, क्रिएटिविटी कर सकता था। इसमें गलीलियो वाला भी एग्जाम्पल फिट हो सकता है ना, कि उस समय के सामाजिक आर्थिक जो मूल्य थे है ना, बट एक व्यक्ति चैलेंज कर रहा था तो इसलिए उसको सेंसरशिप के माध्यम से उसकी वॉइस को दबा रहे थे है ना, फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन है ना, पब्लिक कम्युनिकेशन को एक्सटेंड करता है ना, ठीक वाह है, बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है बोलो, देखो स्पीच को भी वाह बढ़ाता है ना, ओ सॉरी सप्रेस करता है स्पीच को है ना, सेंसरशिप, आप क्या बोल रहे हो। देखो सेंसर्स होते क्या है, अगर साइंस में देखे तो सेंसर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, पढ़ा है साइंस, तीन तरीके के होते हैं, कंडक्टर होता है एक, होता है सेमीकंडक्टर होता है, और एक थर्ड क्या होता है, इंसुलेटर, नहीं पढ़ा है विज्ञान, नहीं पढ़ा है। अरे लेकिन हाँ, चालक कुचालक और वो बीच वाला होता है सेमीकंडक्टर, ये सब पढ़ा होगा। तो सेंसरशिप क्या करता है, हाँ, तो सेंसर्स होते क्या, वो सेमीकंडक्टर्स होते, वो डिटेक्ट करते हैं, तो सेम उसी वाले जैसे मोबाइल फोन है, ये सारे जितने भी मोबाइल फोन्स है ना ये सारे सेमीकंडक्टर से ही बने हुए हैं, ठीक है, तो ये डिटेक्ट करते हैं कि हाँ। और सेमीकंडक्टर का खासियत क्या होता है कि वो ना अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं है ना, वो कुछ टाइम के लिए इंसुलेटर भी बन जाते हैं और कुछ टाइम के लिए कंडक्टर भी बन जाते हैं, ठीक है। तो सेंसर्स क्या होता है कि ये ना, ये क्या करता है, एक चेक करता है, एक एक वो निगरानी करने वाला चीज है ना, कि क्या करता है ये, सप्रेस करता है किसको, फ्रीडम ऑफ स्पीच को या एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है, ठीक है, किस मैनर में, कि वेदर वी शुड रिस्पेक्ट क्रिएटिविटी और गो विथ प्राइवेसी है ना। आगे क्या है, एक्सटेंड पब्लिक कम्युनिकेशन, देखो कई बार इसमें कैसे ऐड करेंगे कि जो पब्लिकेशन, जो जो कम्युनिकेशन है, जो पब्लिक का कम्युनिकेशन है उसको एक्सटेंड करता है ना, बढ़ाता है कि हाँ आप इसी लेवल तक यही कंटेंट आप देखें है ना, आप इसी तरीके का विचार रखें, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना का एग्जांपल लिख लो, तो वहां पे क्या है, सेंसरशिप इतना है कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, उस पे पूरा स्टेट का कंट्रोल होता है ना, और सब एक ही तरीके का पैटर्न में बिहेव करते हैं, ठीक है, और क्या करता है, जो अदर इंफॉर्मेशन है उन सबको भी रोकता ही है एकदम, एक क्या कहते हैं, एकदम छान के देना है ना, जैसे छन्नी होता है ना, तो इंफॉर्मेशन को फिल्टर्ड करके भी प्रोवाइड कराता है सेंसरशिप है ना, क्लियर। देखो ऑन द बेसिस दैट सच मटेरियल इज कंसिडर ऑब्जेक्शनेबल, हार्मफुल, सेंसिटिव और इनकन्वीनियंट, ठीक है, इस बेसिस पे ये जितने भी तीन पॉइंट है ऊपर, कि क्या ये ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं है, अब जैसे कोई क्रिएटिविटी वाला कोई कुछ बना रहा है तो उसमें गाली है तो क्या ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, या फिर किसी को कोई गाली दे रहा है कि वो हार्मफुल तो नहीं है किसी के लिए है ना, तो ऐसे सेंसिटिव कंटेंट को सेंसरशिप क्या करता है, रेगुलेट करता है ना, क्लियर है। डिबेट वाला पार्ट तो तुम्हें क्लियर हो गया ना, कि हम क्रिएटिविटी या तो कला के रूप में जाए या फिर हम उसके रूप में जाए, व्यक्ति की निजता को लेकर लेके आगे बढ़े है ना, क्लियर है। यस देखो सर, हिंदी में क्या लिखा है, सेंसरशिप के विचार का विस्तार होता है वाणी के दमन से, जो आप बोल रहे हैं ना, सार्वजनिक संचार, अन्य जानकारी, इस आधार पर कि ऐसी सामग्री को आपत्तिजनक, हानिकारक, संवेदनशील या असुविधाजनक माना जाता है, ठीक है, और ये डेफिनेशन मैंने कहाँ से लिया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लिया है, ठीक है, मैंने मेंशन भी कर दिया था।
आगे क्या है कि डू वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या फिर इसको क्या बोले, कैन वी एवर ऑब्टेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन है। आप सबका इस पे क्या क्या ओपिनियन है बताओ, क्या आपके पास होता है? हाँ बोलो। यस मिलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, काफी लोग न्यूज़ चैनल से देखते हैं अपने एक्सप्रेशन। मगर कैसे, जब आप अपने विचार को पूर्ण रूप से नहीं व्यक्त कर पाएंगे तो आपको सच में आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज कर पा रहे हैं, है ना? कि आप देखो ना, थोड़ी देर के लिए एग्जाम, आप देखो, आपको शुरू से लेकर स्टेट ने आपको एक ही कंटेंट पढ़ाता रहा है ना, कि तीन तरीके के माइंड हमें स्टेट को क्रिएट करने हैं। एक तो आर्ट्स वाला माइंड क्रिएट करना है, एक कॉमर्स वाला करना है, और एक साइंस वाला करना है ना। तो इधर ना जो इश्यू आएगा ना, वो पता है वो फ्री विल वाला आएगा, कि वेदर शुड इंडिविजुअल हैव फ्री विल और नॉट, है ना? कम्युनिटेरियन वाला पर्सपेक्टिव याद करो, है ना, कि हमारा खुद का कोई विचार होता है या नहीं होता है, ये सारा समाज का ही होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चनेबल है, इसको थोड़ा सोचना कि क्या हमारे पास वास्तव में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है, या फिर कैन वी एवर गेट, कैन वी एवर ऑब्टेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या हमें कभी मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता। तो ये माइंड में सोचने वाला है, डिबेटेबल है। ठीक है, आगे अगर हम देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो आप सबने पढ़ा होगा, क्या नाम है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पढ़ा है आप सबने अभी तक या नहीं पढ़ा है? बोलो, पढ़ा है? हेलो। सही नहीं, ये ना एक एक संधि है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 1948 में एक संधि हुआ था जिसमें विश्व पटल पर बहुत सारे देश आए थे और उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए कि ये मानव के अधिकार होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या करा, उसमें भी आर्टिकल 19 में, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो, कि भारत इतना बड़ा है, सारे लोग मिलकर आकर एक क्या बना रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, लोगों को अधिकार दे रहे हैं, उनके कर्तव्य भी दे रहे हैं, है ना? तो ऐसे विश्व स्तर पर जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स बना, तो उसमें भी क्या करा गया कि प्रोविजन दिया गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी बहुत जरूरी है, उसमें मेंशन करा गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक लीगल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे एक एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है कि हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी जरूरी है और इसको प्रोवाइड करना चाहिए स्टेट्स को, है ना? जितने भी राज्य हैं वो सब प्रोवाइड करें अपने सिटीजन को। क्लियर है? बोलो। यस। आगे क्या कह रहा है, अगर हम इंडिया के केस में जाएं, अगर इंडिया में देखें, तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया सिंपल सा बात बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कुछ मायनों में एब्सोल्यूट है, और बगर कुछ मायनों में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो भी है उसमें क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ये जो है, ये कौन कौन से ग्राउंड्स पे है, बहुत सारे ग्राउंड्स, आप सबने वो पढ़ा है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा है? यस हाँ, तो उससे भी कनेक्ट होगा, आगे जाके देख लेना। ठीक है, देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हो सकती हैं इन इंडिया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज इंस्ट्राइंड, ये वाला आर्टिकल याद रख लेना। ठीक है, क्लियर है? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो एक्ट का है। ठीक है, वो ठीक है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ये एक्सप्रेशन है कि आपने जैसे, अब थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, आपने जैसे आरटीआई लगा के, अब आपको ये बोला जाएगा कि ठीक है तुम क्या करो, इंफॉर्मेशन ले लो, स्टेट कोई बोलेगा बोलेगा कि तुम ले लो। अब तुम उस इंफॉर्मेशन का करोगी क्या, अगर कहीं पे करप्शन है तो तुम्हें न्यूज़पेपर में आर्टिकल या फिर अपना वीडियो बना के या अपना कुछ कंटेंट बना के आपको दिखाना होगा ना, मगर वो राइट्स नहीं होगा तो कोई फायदा है उस इंफॉर्मेशन का? बोलो, है ना?
तो एक्सप्रेशन कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन लिया और आप उसे लोगों के साथ साझा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, है ना। जैसे आपने 12th तक पढ़ाई करा और आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे कॉलेज के अंदर, है ना। तो दोनों चीज अलग अलग है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है ना। ठीक, आगे देखिए। बट दिस इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 192 विच अलाउ गवर्नमेंट टू प्लेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हिंदी क्या बनेगा इसका बताओ। हेलो, प्रदर्शन उचित प्रतिबंध, ठीक है, उचित प्रतिबंध। तो जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, उचित प्रतिबंध लगा सकता है व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। वो कौन कौन से दायरे होते हैं, अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब ये चीजें तो तुम्हें क्लियर करवाने की जरूरत ही नहीं है, वैक वाले पेपर में करवा दिया हुआ। सॉवरेनिटी क्या होता है बताओ, क्या होता है सॉवरेनिटी। अरे मीनिंग क्या है उसके पीछे, आइडिया क्या है। हाँ देखो, डिसीजन मेकिंग में इंटरनली और एक्सटर्नली कोई कंट्री अगर फ्री है तो वो सॉवरन है ना, समझ पा रहे हो। अगर मैं कोई फैसला ले रहा हूं और मुझे अमेरिका का थोड़ा सा भी वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं फ्री हूं, है ना। तो जैसे हम सब ने नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाया था, याद होगा, गुट निरपेक्षता की नीति, है ना, है ना। तो वो क्या दिखाता है, सॉवरेनिटी को दिखाता है कि हाँ हमारे इंटरेस्ट अलग है, हम अभी नए आजाद हुए हैं, हमें अपने लोगों को देखना है, हम किसी ग्रुप के साथ नहीं मिलेंगे, है ना। तो सॉवरेन है तभी तो तुमने ये अपना पाए, अगर तुम किसी के साथ रहते तो तुम उसकी नीति को अपनाते ना। क्लियर है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट। तो अगर इसके इस पे अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज या कोई भी विचार या कोई भी किताब अगर इस चीज को आहत करती है, तो वो सरकार क्या कर सकती है, उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, बैन लगा सकती है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट होती है वो भी तो लोग ही चला रहे हैं, है ना। हाँ अब लोग तो अलग अलग तरीके से सोचते हैं ना, अब कोई थोड़ा सन की आदमी आ गया वो तो कहेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल ये भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि आफ्टर ऑल जो गवर्नमेंट को तो लोग ही चला रहे हैं ना, और कौन लोग चला रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग पावर में आए हैं या फिर अनपढ़ लोग हैं या फिर इनको एजुकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये भी डिबेटेबल है। तो क्या करते हैं, ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ना, ये इसका प्रयोग करते हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए, ठीक है। ये जो उचित प्रतिबंध है ना, उसका प्रयोग करते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करने के लिए, बाधित करने के लिए, ठीक है। फिर वो बोलेंगे कि नहीं ये जो आपने किताब लिखी है ये एंटी नेशनल है ना। क्लियर, तो ये भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। दूसरा क्या बोलता है, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर राज्य की सिक्योरिटी पे कोई सा भी हल्का सा भी प्रॉब्लम होगा तो सरकार उस पे रिस्ट्रिक्शन या बैन लगा सकती है, या फिर हमारे किसी भी फॉरेन रिलेशन में अगर कोई भी हस्तक्षेप होगा तब हम लगा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो ना, कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति इतना पावरफुल है, वो हमारे किसी दूसरे देश के साथ संबंध खराब कर सकता है, तो सरकार तो लगाएगी लगाएगी ना। हर देश का एक दूसरे से संबंध होता है किसके लिए, राष्ट्रहित के लिए होता है ना, नेशनल इंटरेस्ट के लिए होता है ना। क्लियर, और नेशनल इंटरेस्ट अगर बाधित होगा तो इसका मतलब है किसका बाधित हो रहा है, पूरे देश का इंटरेस्ट बाधित हो रहा है ना। तो वो उस स्वरूप में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। कई बार आप देखते होगे पब्लिक ऑर्डर, है ना, कोरोना का लॉकडाउन लगा दिया, किसके लिए लगाया, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक ऑर्डर बना रहे, है ना।
क्लियर, अच्छा और डिसेंसी बनी रहे स्टेट के अंदर, है ना, ओ लोगों के अंदर डिसेंट लोग हों, मोरालिटी बनी रहे, है ना, ठीक है, जो न्यायालय का कोई भी अवमानना ना करे, है ना, इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्लेस कर सकते हैं। देखो डिसेंसी में अगर किसी प्रकार की कमी आएगी, मोरालिटी में कमी आएगी, तो भी अगर कोई ऐसा कंटेंट है, कोई ऐसा टेक्स्ट है, या फिर कोई ऐसा विचार है जो डिसेंसी बेकार कर रहा है या मोरालिटी को खत्म कर रहा है ना, किसके संदर्भ में, कोर्ट के न्याय, कोर्ट के कोई फैसले के संबंध में, तो इस मामले में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है क्या, है क्या, वो किसका रूप है, वो सेंसरशिप ही तो है ना, यहाँ पे जस्ट वर्ड चेंज कर दो, सेंसरशिप, है ना, तो तुम्हें ये सारे ग्राउंड्स पता चल जाएंगे कि जो भारत, जो राज्य है, वो जो भारत देश है, वो इन इन मुद्दों पे अपना सेंसर लगा सकता है। क्लियर है, क्लियर, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। हाँ, दिस प्रोवाइड्स द गवर्नमेंट विद अ वाइड नेट टू सीज एंड सेंसर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एनीथिंग दैट इज डिसफेवरेबल, डिसफेवरेबल, कि जो भी लगे, ये क्या है, बेसिस है, और यही चीजें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को कि किसी भी इंफॉर्मेशन को सीज कर दे, सेंसर्स के थ्रू सीज कर दे या बंद कर दे, है ना, ये सारे ग्राउंड्स हैं जो भी ये अनफेवरेबल लगते हैं ना, ये सारे हैं। क्लियर है, ले लिया आप सबने स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है, इज लिटरेचर कैपेबल ऑफ डैमेजिंग और करप्टिंग अस। अच्छा, आप सबको क्या विचार है, क्या कोई लिटरेचर है, क्या वो व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है, मतलब व्यक्ति की सोच को पागल कर सकता है, या फिर उसको उस पटरी पे से हटा सकता है, सर, बताओ, एग्जाम्पल दो। क्योंकि अब देखो, हाँ, यस, अब देखो इधर, देखो इधर प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर हम देखें ना प्लेटो के टाइम पे, प्लेटो का नाम सुना है ना आप सबने, फादर ऑफ फिलोसफी मतलब कंसीडर करा जाता है, तो क्या होता था आज से 2000 साल पहले कि समाज में ना ऐसी ऐसी स्टोरी होती थी ना कि आप सुन के ना बस आपको लगेगा कि मैं आत्महत्या कर लूं समझ रहे हो, इतना ऐसा ऐसा कंटेंट होता था, समझ पा रहे हैं आप, थोड़ी देर के लिए इतनी मतलब इतनी समस्या वाली मूवी देख लीजिए, आपका खुद मन एकदम अलग हो जाएगा, है ना, होता है ना, कई बार हम कोई एक्सीडेंट देख लेते हैं कि अरे अब तो जब बाइक चलाने का मन ही नहीं कर रहा है ना, हेलो। तो हाँ, ये कैपेबल है, जो लिटरेचर्स होते हैं, अब लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ विजुअल और ऑडियो दोनों में चलेगा, ठीक है, लिटरेचर इट कैन बी इन रिटन फॉर्म, अनरिटन फॉर्म, वर्बल, है ना, किसी भी फॉर्म में, हाँ वो करप्ट कर सकते हैं, वो डैमेज कर सकते हैं, उनके पास पावर होता है ना, क्लियर। आ रहा है समझ में, बोलो, देखो हिंदी वाला देख लो, क्या साहित्य, यस पूछिए। आपने बोला था कि हमारे पास अभी भी यू नो फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, राइट, कंप्लीटली, बच्चा एक्सप्रेशन ठीक है, ये सब चीजें, बट रिजल्ट क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, आप जाके कोर्ट में देखो ना कितना सारा भरा हुआ है ना,
ग्राउंड रियलिटी भी देखो, हर जगह का ग्रीवेंस वो है, पोर्टल है ना, कोई भी ग्रीवेंस है आप डाल दीजिए, मेल कर दीजिए, वो कर दीजिए, ठीक है। बट एक्चुअल में है या नहीं है, आप कोई भी कंटेंट थोड़ी देर के लिए बनाने लग जाइए, थोड़ा देर के लिए कोई मूवी बना लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ये चीज प्रेजेंट कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती, मुझे इस तरीके से, है ना। थोड़ी देर के लिए देखो ना, जब हम कपड़े ही पहनते, तो कपड़ों जब हम पहनते हैं लोग सब, है ना, एक एक पर्टिकुलर सोशल सोशल एंड कल्चरल पैटर्न में हमें पहनना पड़ता है ना। और सडनली कोई अलग तरीके का वेस्टर्न कुछ ट्राई करता है, तो सडनली फैमिली और वो सब आ जाते हैं ना, सेंसर्स की तरह, कि नहीं दिस इज नॉट अलाउड इन अवर होम, है ना, दिस इज नॉट अलाउड इन कॉलेज, है ना, क्लियर। तो एक्चुअल में हमें रिस्ट्रिक्टेड वे में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है, इट इज रियलिटी, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा थॉट है, क्या वो रियल है, ये भी प्रॉब्लम है। समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा कि अच्छा ठीक है मैं कुछ नया ट्राई करना चाह रही हूं, बट जो जो नया ट्राई कर रही हो वो भी तो किसी का है ना, वो तुम्हारा थोड़ी ना इजाद करा हुआ है। कि जैसे सडनली मैंने एक दूसरे किसी और लैंग्वेज का मूवी देखा, वहां पे ये ट्रेडिशन था, आज मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, है ना। तो वो एक्चुअल में जो थॉट है वो आपका खुद भी नहीं है, वही फ्री विल वाला वो डिबेट आ जाता है कि वेदर इंडिविजुअल हैव फ्री विल और नॉट, है ना। कि जैसे मैंने बताया था ना क्लास में, कि वो एग्जाम्पल लेके पीके मूवी वाला, कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, समाज से ही सारी चीजें सीख रहा है, तो उसका विल कहाँ है ना, कैसे बात करना है, कैसे रहना है, कब उठना है, कब जगना है ना, ठीक है, क्लियर है, बोलो या नहीं। हाँ ठीक है, चलो दूसरा क्या है, हु डिफाइन्स द मॉरल वैल्यूज दैट गवर्न सोसाइटी। अब ये मोरालिटी का आता कहां से है, प्रिंसिपल बताओ। जब लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, जब एक ट्रीटी होता है, लोगों के बीच में संधि होता है ना, हमने बताया था ना, जब एक हॉब्स वाला बताया था स्टेट ऑफ नेचर, एक जॉन लॉक वाला बताया था, एक रूसो वाला बताया था, तो आफ्टर ऑल मॉरल वैल्यूज आते कहाँ हैं, जब फैमिलीज ऑर्गेनाइज होती है ना, जब एक फैमिली दूसरे फैमिली से एक्सचेंज करेगी, तो कुछ पैटर्न, कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे वो करना पड़ेगा ना, एक्सचेंजेस करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में हो, है ना, आपको किसी कंपनी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब बात करना होगा, तो एक एक मोडस ऑपरेंडी होगा ना, कि आपको सबसे पहले मेल भेजना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट को दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये मॉरल वैल्यूज ही तो है, मॉरल वैल्यूज क्या हो सकते हैं, वो एक सोसाइटी के, एक टाइम पीरियड के वैल्यूज है ना। तो ये इसको गवर्न कौन करता है, मतलब हु डिफाइन, कौन डिफाइन करता है, आफ्टर ऑल लोग ही डिफाइन करते हैं ना, हेलो, लोग ही डिफाइन करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो 1950 50 में आया है ना, क्लियर। मगर उससे पहले तो सोसाइटी गवर्न हो रही थी ना, वो कौन से वैल्यूज थे, वो भी मॉरल वैल्यूज है, वो आज भी है ना। बहुत सारी बातें संविधान में नहीं लिखी हुई है, मगर हमारी मोरालिटी उसको अलाउ नहीं करती, है ना, क्लियर। अब देखो क्या है, वो आगे क्या है, मतलब एक जरूरी भी है, कैसे, वन ऑफ द बिगेस्ट बेंस ऑफ सेंसरशिप। देखो इसमें क्या है, ये कई बार क्या होता है, जो क्रिएटिविटी का है ना, वो गला घोट भी देता है ना, स्ट्रैंगल्स क्रिएटिविटी, ठीक है, ये वाला पॉइंट ऐड कर लेना, ठीक है। कई बार क्या होता है, सेंसरशिप क्या होता है, वो जो क्रिएटिविटी है उसका गला भी घोटता है ना, क्लियर है, ये वाले पॉइंट में, वन ऑफ द बिगेस्ट बेंस ऑफ सेंसरशिप कैन बी पॉइंटेड आउट टू द फैक्ट दैट इट स्ट्रैंगल्स क्रिएटिविटी, ठीक है। अब देखो जो सेकेंड है, इसमें क्या है, डिबेट्स है, कि सम क्रिटिक्स, कुछ आलोचनात्मक व्यक्ति क्या करते हैं, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, ये कोई ज्वाइन कर रहा है क्या, हेलो,
रिया हो क्लास में तुम? हेलो, सर शायद तो फिर तो नहीं है, तभी। सर है वो। हाँ तो फिर अलाउ कर दो, ठीक है। देखो तो किटिक्स क्या बिलीव कर रहे हैं, सम किटिक्स बिलीव दैट दे शुड बी अलाउड टू वॉच री एंड रीड। अब देखो जैसे ये वाला डिबेट देखो, ओटीटी वाला देखो, है ना, ओवर द टॉप, जो सुनते हैं ना बहुत सारी मूवी आजकल ओटीटी पे आ रही है, और ओटीटी पे बहुत सारी वेब सीरीज भी आती है, उसमें बहुत तरीके का कंटेंट होता है ना। क्या हमें अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रिस्ट्रिक्शन। तो दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक होता है कि नहीं भाई रिस्ट्रिक्शन में लेके आना चाहिए उनको भी, है ना, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बना देगा और कुछ भी बेचेगा, है ना। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, अरे ठीक है यार बनाने दो, जिसको जो पसंद होगा वो देखेगा, लोगों के पास चॉइस है। अब दोनों में डिलेमा है, डिबेट है कि हम किसको दे। अगर इस वाले को देते हैं तो हाँ एक एक परफेक्ट सिटीजन बनाने के लिए हमें ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, है ना, और एक एक इंडिविजुअल को लिबर्टी देने के लिए उसके पास चॉइस भी होनी चाहिए, है ना। लिबर्टी क्या है, चॉइस ही तो है लिबर्टी, है ना, ऑप्शंस। क्लियर। तो ये जो सम क्रिटिक्स बिलीव दैट दे शुड बी अलाउड टू वॉच एंड रीड वट एवर दे वॉन्ट, ठीक है, दिस बिलीफ स्टैंड इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो ये वाला जो स्पेक्ट्रम है, ये वाले जो लाइट साइड के लोग हैं वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वो जो सम रिस्ट्रिक्शन सेंसरशिप को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं और गवर्नमेंट को बांध रहे हैं कि नहीं गवर्नमेंट डिसाइड ना करे कि लोग क्या देखें, है ना, जो जो गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा वही लोग देखेंगे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। यस सर, हाँ चलो यस सर। आगे क्या है, व्हाट इज मोर इफेक्टिव इन कीपिंग द पीस, ब्लंट स्टेट सेंसरशिप ऑफ डेंजरस टेक्स्ट और सेफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सपोजिटली रिस्पेक्टेबल वंस। शांति बनाए रखने के लिए अधिक प्रभावी क्या है। अब जैसे सोसाइटी में स्टेट का रोल क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, है ना, कानून व्यवस्था, है ना। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जितने भी टैक्सेस हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी ग्रंथ ही मान लो, कितनी भी किताबें हैं, तो उनका क्या हो, एकदम सही रूप में इंटरप्रिटेशन, उसका जो व्याख्या है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कि आप सब देख पाते हो कि बहुत सारे लोग एक ही किताब से अच्छी चीजें भी ले पाते हैं और एक किताब से बुरी चीजें भी, कोई सी भी किताब हो, इरिस्पेक्टिव कोई सी भी चीज, लोग क्या कर सकते हैं अपने इंटरप्रिटेशन के माध्यम से कि नहीं इसमें ये लिखा हुआ है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल गीता को ही ले लो, गीता क्या है, कुछ लोगों के लिए पैसिव है कि भाई सब चीज लिखा हुआ है, जो होना है वो तो होके रहेगा, और कुछ कुछ लोगों के लिए क्या है, वो एक्टिव भी है कि कर्म करो, है ना, बोलो है या नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उसका जो इंटरप्रिटेशन है ना वो अच्छा हो, वो एक सही स्वरूप में हो, ठीक है। और जब सही स्वरूप आ जाएगा ना, जैसे सही वर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग आ गया, है ना, कि आप अपने मर्जी से जैसा मर्जी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोस्ट मॉडर्निज्म, अगर ध्यान से देखोगे तो पोस्ट मॉडर्निज्म पता है क्या बोलता है, कि जैसे आपने कोई कविता लिखी, कविता लिखने वाले के माइंड में अलग बात है, कविता पढ़ने वाले के माइंड में अलग बात है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी देखो, तो मूवी जो लिख रहा है, क्या हो सकता है कि वो उसका जीवन काल हो, और आप जो देख रहे हो सकता है कि हाँ ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ना। लिखने वाले का परिदृश्य अलग है, देखने वाले का अलग है, ये भी पॉसिबल है। तो ये इन सब से बचने के लिए कि एक सेफ इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड कराया जाए, है ना, सम्मानजनक ग्रंथों की सुरक्षित व्याख्या, ठीक है। और ये तो है, डज लिटरेचर हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, यस डेफिनेटली है ना।
किताब के पास पावर है ना समाज को बदलने की, अगर नहीं है ना तो कभी पढ़ना। एक 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 फिलोसफर या पोइट नीचे हुए हैं, नीचे, ठीक है। उनकी बुक है जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स और एक बुक है द गॉड इज डेड। उनकी एक बुक ने ना पूरी जर्मन रेस को खड़ा कर दिया था, आपको पता है, पूरी जर्मन रेस। इतना पावर होता है एक बुक के अंदर। चलो, वे फॉरवर्ड क्या है? द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इम्बॉडीज द राइट ऑफ इंडिविजुअलिटी, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति के लिए, वो व्यक्तिगत व्यक्ति का विकास करने के लिए, है ना, है ना। और सेंसरशिप इसको क्या करता है, उसका, इसको रोकता है, इसको इंडिविजुअलिटी या फिर ये जो हमारा अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको रोकता है सेंसरशिप, ठीक है। एनी थ्रेट टू सच इंडिविजुअल थिंकिंग लीड्स टू एन अग्रेसिव कैंपेन अगेंस्ट द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज वेल, ठीक है। अगर कोई भी इसी प्रकार का थ्रेट पहुंचता है कि जो इंडिविजुअल थिंकिंग को, तो वो क्या करता है, एक एक हार्ड पावर शो करता है ना, अग्रेसिव कैंपेन अगेंस्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, है ना, एज वेल, ठीक है, क्लियर है, बोलो। देखो, पहला वाले में तो समझ में आ गया कि ये इंडिविजुअलिटी को हमारा खत्म करता है सेंसरशिप। दूसरे में क्या कह रहा है कि अगर जो इंडिविजुअल थिंकिंग है, अगर उसमें किसी प्रकार का थ्रेट है ना, तो ये क्या कर रहा है, एक हमारा एग्रेसिव नेचर क्रिएट कर रहा है। किसके किसके लिए? ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, जो सेंसरशिप है, इसको इसके इसको खत्म करने के लिए या इसके खिलाफ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी थिंकिंग, आपको बोलने का अधिकार नहीं जाए, तो आपके अंदर क्या होगा, एक अग्रेसिवनेस आएगा ना। हेलो, मतलब कई बार होगा ना कि अरे मैं क्यों रूल तोड़ू, है ना, ओ सॉरी मैं रूल तोड़ देती हूँ, है ना, मैं स्टेट के रेड लाइट को फॉलो नहीं कर रही कि उसने ठीक तरीके से टाइमिंग नहीं बांट रखा है, है ना, उस रोड पे कोई गाड़ी नहीं है, मगर फिर भी मेरी तरफ, मेरे पास ज्यादा गाड़ी है, फिर भी रेड लाइट मेरे पास कम है ना। तो कई बार क्या होता है, एग्रेसिव कैंपेन लॉन्च कर देते हो आप, है ना, अगर ऐसा थ्रेट मिलता रहेगा सेंसरशिप से, है ना। अरे थोड़ा सा वो देखो, इसमें ये वाला ऐड करो, ईरान की विमेन्स के साथ क्या हुआ था, है ना, बहुत सारा देख सुना होगा ना, हिजाब वाला लेके इशू, yes, तो उन्होंने बाल काट के झंडा बना लिया था, तो ये क्या है, एग्रेसिव कैंपेन को लीड करता है ना। अगर आपका इंडिविजुअल थिंकिंग है, अगर उसको कोई स्टॉप करेगा, तो आप क्या करोगे, रिवोल्ट करोगे ना, बोलो, उसको चुनौती दोगे ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है, पढ़ लिया, चलो। फिल्म इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समटाइम्स ट्रू स्टोरी आर डिपिक्टेड एंड इट इज सेंसर्ड विद द फियर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग कम्युनल हार्मनी एंड माइंडसेट। ये वाला नहीं, ये वाला मत ऐड करो, ये फिल्म वाला ऐड मत करना, ठीक है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ सीबीसी इंस्टीट्यूट, ये भी मूवी वाला ही ऐड हो गया, ठीक है। क्योंकि मैंने ये जो आइडिया है ना, समझ गया, ये भी बैठा, आगे क्या है। सेंसरशिप इज अ पावरफुल टूल दैट कैन वर्क फॉर और अगेंस्ट द सोसाइटी एंड द पीपल, ठीक है, ये दोनों स्वरूप से काम कर सकता है, ठीक है, क्लियर है कि ये तो लोगों के विकास के काम भी आ सकता है और उनकी आवाज को दबाने के भी काम आ सकता है, ठीक है। इट कैन आइदर रिजल्ट टू डिसिमिनेटिंग बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन और मार्क्स द ट्रूथ, ठीक है,
या तो क्या कर सकता है ये कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सही स्वरूप है। अब थोड़ी देर के लिए देखो, व्हाट्सएप पे बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं, है ना। अब हर कोई बोलेगा कि नहीं, ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना। मगर क्या हो सकता है, कई बार ये जो सच है उसको छापने के लिए भी हो सकता है और सच को उजागर करने के लिए भी हो सकता है ना। दोनों तरीके से तो बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना। ठीक है, दोनों हो सकता है। क्लियर है या नहीं है, बोलो। ये वाला सेकंड वाला पॉइंट, यह या तो संतुलित जानकारी का प्रसार कर सकता है या उन मुद्दों के बारे में सच्चाई को छिपा सकता है जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, है ना। क्लियर है, बोलो। ठीक है, हाँ। लास्ट क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंबर्स फॉर बोथ साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, सपोर्टर एंड क्रिटिक्स, टू कंटिन्यू डिबेटिंग ऑन द यूज टू अचीव अ काइंड ऑफ सेंसरशिप दैट विल वर्क फॉर द मेजोरिटी। ये हमेशा एक डिबेटेबल रहा है कि वो परफेक्ट एरिया क्या है कि जिसमें सही तरीके से सेंसरशिप को लागू करा जा सके, है ना। कि वो टू अचीव अ काइंड ऑफ सेंसरशिप दैट विल वर्क फॉर द मेजोरिटी, सभी के लिए एक तरीके से काम करे, है ना। क्लियर, जिसमें सभी का कल्याण शामिल हो। ठीक है, ये डिबेटिंग इश्यू बना हुआ है कि वो कौन सा पॉइंट है कि हाँ, या इस हद तक सेंसरशिप सेंसरशिप नहीं होगा, और इसके बाद कोई भी इस पॉइंट से थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा ना तो सेंसरशिप लग जाएगा उसको, है ना। तो वो जो लाइन है ना, वो लाइन कि हाँ, ये जो क्रीपी जो लाइन है, इस लाइन को जो वही लक्ष्मण रेखा वाला एग्जाम्पल हो कि हाँ, ये लक्ष्मण रेखा, वो कौन सी लक्ष्मण रेखा को हमें ड्रॉ करना है जो हमें बताएगा कि हाँ, इसके नीचे रहोगे तो आप फ्री हो, और जैसे ही आप उसके ऊपर जाओगे तो आपके ऊपर सेंसरशिप लग जाएगा, है ना। तो सेंसरशिप क्या, एक लक्ष्मण रेखा की तरह ही मान लो, है ना। सेंसरशिप आए ना तो बगल में लिख देना लक्ष्मण रेखा की तरह है। ठीक है या नहीं है। जैसे ही तुमने पैर उस तरफ करा, कोई आपको या तो आपका उत्थान कर देगा या फिर आपको किडनैप कर लेगा, है ना। मगर इस कंटेक्स्ट में लिखना, ठीक है, क्लियर है। तो सेंसरशिप इज रिक्वायर्ड फॉर फिल्म्स, इट एक्सरसाइज शुड बी एक्सेप्शनल। कि देखो, सेंसरशिप फिल्म्स के लिए नहीं, सभी के लिए होता है। किताबों पे भी सेंसर्स लगते हैं, ठीक है, कि कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है। ये पॉइंट क्या बोला है, इट्स एक्सरसाइज शुड बी एक्सेप्शनल, केवल अपवाद के स्वरूप में इसका प्रयोग करना चाहिए, और जब प्रयोग होगा ना तो एकदम पारदर्शी रूप से प्रयोग होना चाहिए, है ना, एंड फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। कई बार क्या होता है कि हम जो लोग होते हैं ना, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होके बैन लगवा देते हैं, है ना, कि हाँ, वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा बोलता है, वो व्यक्ति ज्यादा वो कर रहा है, या फिर इसका विचार है ये क्रांति ला देगा तो इसको दबा दिया जाए, है ना। तो जितना भी सेंसरशिप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल। अब जैसे कोई गवर्नमेंट के ज्यादा सपोर्ट में है तो उसका कितना भी कंटेंट बेकार होगा तो वो बैन नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फ्री एंड इक्वल, है ना, कि सभी को समान रूप से, हाँ, उसका कंटेंट भी बेकार है तो ठीक है, उसको भी बैन करो, है ना। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और इसका यूज क्या होता है, एक अपवाद के रूप में होना चाहिए सेंसरशिप का। ठीक है, क्लियर है, बोलो। टॉपिक क्लियर हुआ, अब कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ।